तो जी बॉयज वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैंने आपको इंस्टाग्राम की आपने मेरी स्टोरी देखी होगी, उसमें था कि यार नया प्रोजेक्ट जो होगा उस गाड़ी का काम होने वाला। नया प्रोजेक्ट किसका है, कौन सा है, वो भी आपको बताते हैं। तो ऊपर से आपको नजर तो आ रहा होगा कि यार कोई जर्मन चीज है, कोई सादी चीज नहीं है, तो आपको बताते चले तो ये है BMW 545 है। बॉयज दिस इज एन ओल्ड ब्लॉग जो कि जुलाई में शूट हुआ था, लेकिन दिस ब्लॉग विल बी अपलोडेड बिटवीन द सितंबर, जिसके अंदर आते हैं N62 इंजन 4.4 लीटर V8 इंजन आता है, 8 सिलेंडर इंजन होता है और इस गाड़ी का वेट अराउंड होता है 1630 वेट होता है, मतलब 1630 केजी वेट होता है, कि आप समझ लें C63 के मुकाबले का वेट है इस गाड़ी का ना। बाहर से इसकी थोड़ी देर तक लुक चेक करवाते हैं, अभी फिलहाल तो हम जा रहे हैं प्रोफिक्स गैराज क्योंकि इस गाड़ी का सारा ये प्रोजेक्ट होने कंप्लीट। दो तीन इसके मसले हैं, वो मसले भी आपको सॉर्ट आउट करके बताएंगे अभी थोड़ी देर तक। और ये गाड़ी किसकी है, तो गाड़ी है सलमान भाई की। तो जी बॉयज एज आई टोल्ड यू कि ये व्लॉग 5 जुलाई का है, तो इसमें गाड़ी सलमान के पास थी, पहले सलमान के पास थी, सलमान के साथ प्रॉफिट्स तक गए थे, लेकिन इन द मिड ऑफ अगस्त हमने गाड़ी सलमान से ले ली थी और लेके फिर जो प्रोजेक्ट होगा वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में सारा नज़र आ ही जाएगा कि जो जो प्रोजेक्ट इस पर हो रहा है, काम शाम जो हो रहा है, तो वो नज़र आ जाएगा। लेकिन इस व्लॉग में अभी गाड़ी सलमान की है और सलमान के साथ मैं गया हूँ, प्रॉफिट से चक्कर चुक्कर लगाया, लेकिन अगले ब्लॉग में आपको पता चल जाएगी गाड़ी मैंने ले ली है और उसके बाद जाके सारा सीन फर्दर आपको पता चल जाएगा। तो अब ये गाड़ी पूरा प्रोजेक्ट होगा और प्रोजेक्ट मतलब आप समझ लें कि प्रोजेक्ट हमारे चैनल पर सारा नजर आएगा, एक एक जो काम होगा इस गाड़ी का नजर आएगा, रिम टायर LSD जितना भी कुछ सीन होगा इस गाड़ी का, हर टायर वगैरह डोनट्स वगैरह इस चैनल पर आपको नजर आएंगे। तो ये पाकिस्तान में बहुत रेयर है गाड़ी जो है BMW 545 है, आप कह सकते हैं कि लाइक पाकिस्तान में होगी 8-9 होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, एक फॉर सेल भी लगी है, उसके अलावा कोई है नहीं, उसके अलावा ये दूसरी ओरिजिनल है, कोई स्वैप गाड़ी नहीं है ये ओरिजिनल ही, और चली भी कम ही हुई है गाड़ी ना वैसे तो। इट कम्स विद अ सनरूफ एज वेल, उसके अलावा इसमें जो बाकी जो मोड्स वगैरह आते हैं, इसका जो इंजन है N62 4.4 लीटर वाला इंजन है, 4400 cc V8 और इसकी जो हॉर्स पावर होती है वो 333 होती है, लाइक 333 यार हॉर्स पावर होती है इसकी, और जो न्यूटन मीटर टॉर्क होता है वो 450 न्यूटन मीटर टॉर्क है, जो मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत इनफ है गाड़ी के लिए। तो गाड़ी का वेट भी 1600 kg है, इससे बस LSD हो जाए, आपने घूमते हुए इसकी अभी वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन ये ओपन डिफ पे घूम रही है, लेकिन अब अगर आप इसकी LSD लग जाएगी इंशाल्लाह विद इन सम मंथ्स, तो बहुत कमाल घूमनी है गाड़ी ने। और इसके अंदर बताते चले तो इसके अंदर डुअल क्लाइमेट कंट्रोल भी आता है, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल, एडजस्टेबल स्टेयरिंग आता है, क्रूज कंट्रोल भी आता है, इसके अलावा इसमें 8 एयरबैग दिए हुए गाड़ी में 8 एयरबैग आते हैं इसके, और मेमोरी सीट्स भी इसके अंदर दी हुई है, और मेमोरी सीट्स लाइक आप कह सकते हैं 16 में मेरे ख्याल से एडजस्टेबल होते हैं कि आगे पीछे ऊपर नीचे, इसका हेडरेस्ट वगैरह सारा कुछ होता है, यहाँ भी एयरबैग दिया है, उधर भी एयरबैग, दरवाजों में भी एयरबैग, पीछे भी एयरबैग, हर जगह एयरबैग से भरी हुई है गाड़ी ना। तो अभी चलते हैं टुवर्ड्स वो प्रॉफिट्स गैराज, वहाँ जाके दिखाते हैं यार कि क्या बनना है इस गाड़ी का, थोड़ा बहुत इसका गाड़ी में खर्चा होने वाला है, वो सारे खर्चे का आपको बताएंगे इस गाड़ी का, और ये जो सीरीज होने वाली है इस गाड़ी की, जो सारी गाड़ी की जो सीरीज होने वाली, प्रोजेक्ट सीरीज होने वाली है, बहुत मजेदार होने वाली है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, इंस्टा पे फॉलो भी कर लें, और चलते हैं टुवर्ड्स प्रॉफिट्स गैराज और वहाँ जाके दिखाते हैं। तो जी बॉयज हम पहुंच चुके हैं उधर, प्रॉफिट्स गैराज आ चुके हैं और हमें गाड़ी की थोड़े बहुत मसला सॉर्ट आउट हुआ है, वो आपको अभी दोबारा दिखाते हैं थोड़ी देर तक ना, तो अभी बताते हैं आपको। तो जी बॉयज प्रॉफिट्स गैराज से निकल आए हैं, मतलब वहाँ से रैंप खाली नहीं थे, इसकी इंस्पेक्शन करवानी थी डिटेल, तो इस गाड़ी का थोड़ा बहुत आपको बताते चलें। तो यार अभी इस गाड़ी पे इंशाल्लाह अगर गाड़ी पूरी कंप्लीट हो गई इंजन वाइज, तो उस गाड़ी के M-kitted होनी है गाड़ी ऑल द वे M-kitted, ये जो 18 इंच के अभी अलॉय व्हील्स लगे हुए 245 की प्रोफाइल के साथ, 18 इंचेस ये भी चेंज हो जाने, और M-sports के अलॉय व्हील्स लगने, और काफ़ी कर काम होना, सनरूफ वाली होती है गाड़ी। तो जी बॉयज गैराज के अंदर ये गाड़ी खड़ी है, मुझसे ये भी गाड़ी खड़ी है, थोड़ा बहुत काम होने आई है, और अपनी गाड़ी आज नहीं होती, गाड़ी पूरी नहीं होगी आज अपनी, तो गुड यार। तो जी बॉयज गाड़ी वर्कशॉप से निकाल ली है, असल में ना वहाँ प्रॉफिट्स गैराज के जो गैराज था, असल में बॉयज प्रॉफिट्स गैराज के अंदर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, लिफ्टर पे हमने इंस्पेक्शन करवानी थी तो उसकी जगह भी नहीं थी, तो अभी हमने किया ये है कि यार वहां से निकल आए हैं और बाहर जाके हमने थोड़ा बहुत चेक करवाई है गाड़ी के ना, बाहर जाके हमने गाड़ी चेक करवाई है, तो गाड़ी में अभी तक 3-4 उसने इशू बताए, लेकिन मुझे पता है कंफर्म ये इशू हो नहीं सकते इतने ज्यादा, वैसे होंगे नहीं इशू, ये इशू हो नहीं सकते। उसने बताया यार कि टाइपर्ट के जो जैन होते हैं इंजन के, टाइपर्ट के जैन वो थोड़े से लीक हैं, उसके बाद जो गियर जैन है वो लीक है, चैम्बर जैन है वो लीक है, अभी इसे 3 लीकेज बताएं, क्योंकि हमारा जो मेन मसला इस गाड़ी में भी आ रहा है 545 में, वो ये मसला आ रहा है कि यार इसके ना ऑयल बहुत लीक हो रहा है, ऑयल इस गाड़ी का काफी ज्यादा लीक हो रहा है।
तो असल में हमारा मेन मेजर जो काम है वो हमारा है ऑयल का. ऑयल ठीक हो गया, ऑयल लीकेज खत्म हो गया, तो उसके बाद हमने आना है इसे. अगर हुआ इंजन का कंप्रेशन डाउन हुआ, अगर इंजन अपने फुल पावर में ना हुआ, तो हमने ये करने से कॉइल वगैरह चेंज करवा देंगे. उसके बाद फर्दर जाके जितना जो हमारा फिर एंड वाला, तो वही होगा परस्पेक्टिव कि यार हमने एम किट लगानी है, एलएसडी करवानी है और रिम टायर वाला, वो हमारा एंड का डिसीजन है. लेकिन अभी हमारा सबसे पहले ये है कि इंजन को अपनी पावर में लाना, ताकि इंजन पावर में हो, इतनी पावर में हो कि यार गाड़ी भगाओ, गाड़ी भागे, कोई मसला ना आए, जहाँ मर्जी गाड़ी को ले जाओ. और अभी आप इसकी एवरेज भी चेक कर सकते हैं, दे रही है 5.7 समथिंग की एवरेज दे रही है. तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ इंजन अपनी अपनी हेल्थ में आएगा, तो मेरे ख्याल से ओके हो जाएगा. अभी मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका एक पिस्टन बैठा हुआ, क्योंकि गाड़ी हल्का सा वाइट स्मोक भी मार रहा है, वाइट स्मोक भी आया उसके अंदर थोड़ा थोड़ा, तो हो सकता है इसका भी इशू हो जाए. लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, कल हमने दोबारा आना है प्रोफिक्स, कल इंशाल्लाह गाड़ी इधर खड़ी कर देंगे और फिर आपको फर्दर दिखाएंगे क्या सीन है. तो जी बॉयज, यार ये गाड़ी इतनी कोई स्मूथ है. अभी एक पिछला टायर जो है ना इसका, उसकी तारें निकली हुई, एक पिछला टायर की डोनट्स वगैरह मार के तारें निकली हुई थी उसकी, लेकिन फिर भी गाड़ी को इतनी कोई स्मूथ है. अभी 100-110 पे जा रही है, लेकिन गाड़ी में कोई ना साउंड है ना कोई कुछ है, ये सिर्फ हवा की आवाज़ आ रही है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं. गाड़ी भी नीट एंड क्लीन, ऊपर से हर चीज़ की वर्किंग कंडीशन में, सनरूफ वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, और ट्रैक्शन भी इसका वर्किंग कंडीशन है, पार्किंग सेंसर भी चल रहे हैं, सारे कंट्रोल्स वगैरह, क्लाइमेट कंट्रोल सब कुछ वगैरह चल रहा है इसका. क्रूज़ भी इनफैक्ट क्रूज़ और स्टेयरिंग अप एंड डाउन वगैरह सब कुछ चल रहा है इसकी. ये जो है एडजस्टेबल सीट, ये भी वर्किंग है, अभी सारी की सारी एडजस्टेबल सीट वर्किंग है इसकी. ये अभी आप चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें वर्किंग, हर चीज़ वर्किंग. एयरबैग यहाँ भी दिया हुआ है, स्टेयरिंग इधर इधर हर जगह एयरबैग दिया हुआ है. तो यार गाड़ी का भी ये कोई सीन है कि यार कल दोबारा जाना है, कल इंशाल्लाह जाके गाड़ी भाई कोशिश करेंगे कि भाई गाड़ी खड़ी कराएंगे. तो फर्दर तो आप यार कल के ब्लॉग में देखेंगे क्या बनना है गाड़ी का आगे. तो कल तो वैसे ये है कि गाड़ी उधर खड़ी हो जाएगी, खड़ी होके हमारा ये है कि यार एक हफ्ता लग जाए, लीकेज खत्म हो जाए, क्योंकि अभी लीकेज ना आपको मल्टीपल जगह से नजर आ रही होंगी, मल्टीपल जगह से लीकेज है, तो वो एक बार क्लियर होगी, लीकेज हमारी क्लियर होगी, तो फिर तो हमारा सारा काम आसान हो गया, फिर आगे जाके देखी जाएगी यार जो भी मसला हो. तो लेकिन ये नो डाउट 4.4 V8 इंजन है, लेकिन मैं ये कहता हूँ यार गाड़ी अभी उड़ रही है, ऐसी कोई गाड़ी है, मतलब इसको रेज तो वैसे उड़ती है. अभी वो कह रहा है कि यार हो सकता है इसका पिस्टन एक बैठा हो, तो वो कंप्रेशन टेस्ट में पता चल जाएगा. कंप्रेशन टेस्ट आज नहीं हुआ, वो कल ही होगा सारा कुछ, तो उसमें सब कुछ पता चल जाएगा. लेकिन फिर भी गाड़ी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, जैसे कि इसका 0-100 भी लाइक 5.6 सेकंड कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा इसका थोड़ा सा बैठा होगा, लाइक 6 सेकंड हो सकता है, लेकिन जब गाड़ी ओवरऑल ओके हो जाएगी तो 5.5 समथिंग हो जाएगा. क्योंकि हमारा ये है कि इसको स्ट्रेट पाइप भी करना है, बहुत चीज़ इस पर करनी है इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह. तो फिर कल ही फर्दर प्रोसीड करते हैं इस ब्लॉग को, तो अभी के लिए इतना ही सर. तो जी बॉयज, BMW का आपने पिछले ब्लॉग में देखा, वो पिछले पार्ट में देखा होगा पिछली वीडियो में, कि BMW का जो था यार के लेके आए थे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ था, क्योंकि ये रैंप पे क्रोला एक ग्रैंडे लगी हुई थी. अब जाके गाड़ी टो होके आई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों आई, क्योंकि गाड़ी ओवर हीट हो गई थी असल में ना. तो गाड़ी ओवर हीट होने की वजह से इसकी, जहां तक एस हॉराइजन है वो इसकी बॉटल का मसला था, बॉटल का हुआ था. लेकिन अब जाके गाड़ी आ गई इधर प्रोफिस कर, आज हम टो करके ले आए थे गाड़ी को. तो अब यहां से इसकी लीकेज आप चेक कर सकते हैं, इधर से काफ़ी ज़्यादा लीकेज नज़र आ रही है, क्योंकि हम नीचे देखें यहाँ गिरा हुआ अभी तक, तो लीकेज यहाँ से नज़र आ रही है एक. तो और अभी ऐसा और भी पता चलेगा यार इसके काम, ये पूरा प्रोजेक्ट होना है, तो आप समझेंगे ये सारा प्रोजेक्ट जितना भी होगा ये सारे अपने चैनल पे ही नज़र आएगा, जो पूरा प्रोजेक्ट ये LSD वगैरह इसका अभी तो ओपन डेफ है, लेकिन ये LSD वगैरह भी सारी जो होगी वो इसी चैनल पे नज़र आएगी. और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं टायरों की कंडीशन, ये तारें निकल रही हैं, इसकी तारें निकली हुई हैं क्योंकि इसके ओपन डेफ डोनट्स हमारे उसकी वजह से,